दोस्तों जियो यूजर के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 31 मार्च 2018 के बाद जब जियो की प्राइम मेंबरशिप खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे सिम बंद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एन टेक्निकल। दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जियो का 31 मार्च के बाद क्या होगा जब उसकी प्राइम मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो आपने बहुत सी फेक वीडियोस देखी होंगी कि आपका जियो का सिम बंद हो जाएगा, 31 मार्च के बाद जियो बंद होने वाला है, ये है वो है। बहुत सी फेक वीडियोस यूट्यूब पे डाली जा रही हैं और कई जगह पे ये मैसेज भी वायरल हो रहा है कि 31 मार्च के बाद जियो बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब फेक है, आपको इन पे कोई विश्वास नहीं करना है। ये सब एक क्लिकबेट बना रहे हैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को वायरल करने के लिए। दोस्तों जहाँ तक रिचार्ज का सवाल है तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इस पर, मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे गया और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैंने काफ़ी वर्क किया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्होंने कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है ऑफिशियल तौर से कि आपके सिम की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी 31 मार्च के बाद, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इसी प्लान की वैलिडिटी आगे बढ़ा दी जाएगी जिसके ज़रिए आप जियो की सर्विसेज को बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और ये वैलिडिटी कितनी बढ़ेगी इसका अभी कंफर्म नहीं है, ये एक साल तक भी बढ़ सकती है, 3 महीने तक भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर जियो कोई नया रिचार्ज लेकर आता प्राइम मेंबरशिप के बदले में तो वो अभी तक सभी अपने ग्राहकों को कंफर्म करवा देता, नोटिस दे देता मैसेज के जरिए या फिर ईमेल्स के जरिए, कुछ तो करता भी, आप ये वाला रिचार्ज करवा लो नहीं तो आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक किसी के पास कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है कि वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो रही है, आपका सिम बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी आप खबरों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जियो कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं जो कि एक साल में बंद हो जाएगी। तो ये सब झूठी वीडियोज़ हैं, आप इनको डिसलाइक कीजिए। हाँ, अगर जियो के ऑफिशियल पेज पर कुछ ऐसा होता तो हम मान भी लेते, तो ये सब फेक है, आपका जियो सिम बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है। हाँ, इसके लिए कुछ नया प्लान बेशक निकल के आ जाएगा और वो भी अभी नहीं आएगा, वो भी कुछ टाइम बाद आएगा। क्योंकि अगर कोई नया प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च होता तो जियो उसके लिए हमें नोटिस कर देता कि 31 मार्च के बाद आपकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, आप ये रिचार्ज करवा लीजिए। तो जैसे इसकी कोई भी अपडेट मिलती है मुझे, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट कर दूँगा। तो ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपने दिमाग में ये सवाल बैठा के बैठे हैं कि जियो 31 मार्च के बाद चलेगा या बंद हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।